फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। किरण बेकिंग एंड कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग बनाने वाले हैं प्याज के पत्ते और मूंग दाल से बनी तीखी तीखी और टेस्टी टेस्टी सब्जी। तो आइए चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस पे कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए हैं और उसमें 2 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है फ्रेंड्स। ये प्याज के पत्ते का जो सफ़ेद वाला भाग होता है फ्रेंड्स, ये सफ़ेद वाला प्याज वो ले लिए हैं, इसको अलग से काट लिए हैं। अब तेल में डाल देंगे और इसको अच्छे से लाइट ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है फ्रेंड्स, लाइट ब्राउन हो गया है। अब हम लोग इससे ज़्यादा नहीं भूनेंगे। ये लहसुन को बारीक काट लिए हैं, इसको दे देंगे। और ये अदरक को भी बारीक काट लिए हैं और ये 2 हरी मिर्ची। अब सबको अच्छे से भून लेंगे। अदरक और लहसुन को फ्रेंड्स पेस्ट बना के आप नहीं डालिए, काट के ही डालिए। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है प्याज के पत्ते की सब्जी में। और हरी मिर्ची थोड़ा ज़्यादा ही डालिए फ्रेंड्स, ये सब्जी तीखा तीखा बहुत टेस्टी बनता है। अब सारे मसाले ऐड कर देते हैं। धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, और ये सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें फ्रेंड्स ये मूंग का दाल है, इसको 1 घंटा पहले भिगो कर छोड़ दिए थे। अब इसमें डाल देंगे और अच्छे से भून लेंगे मसाले के साथ मूंग दाल को भी। 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे और ये मूंग दाल भी अच्छे से भून गया है मसाले के साथ फ्रेंड्स। अब हम लोग इसमें प्याज का पत्ता ऐड कर देंगे। ये प्याज के पत्ते को अच्छे से धो करके साफ़ कर लिए हैं फ्रेंड्स और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं, इसको दे देंगे। वैसे तो फ्रेंड्स प्याज के पत्ते की सब्जी बहुत लोग को पसंद नहीं आता है, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे फ्रेंड्स तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है ये सब्जी, और आपके घर में सभी अच्छे से खाएंगे। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। अभी तो प्याज के पत्ते का सीजन भी है, प्याज के पत्ते की सब्जी थोड़ी तीखी ही अच्छी लगती है फ्रेंड्स। तो आप लोग थोड़ी तीखी ही बनाइए, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। सब्जी को थोड़ा ढक ढक के पका लेंगे फ्रेंड्स ताकि प्याज के पत्ते का कच्चापन चला जाए। इस सब्जी में पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है फ्रेंड्स, इस सब्जी को ढक ढक के मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। कितने अच्छे से मूंग दाल भी पक गया है और प्याज का पत्ता भी अच्छे से पक गया है। ये देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है। इस सब्जी को फ्रेंड्स आप फुलके के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आइए चलिए अब सर्व कर लेते हैं। और ये रेडी हो गया प्याज के पत्ते की टेस्टी टेस्टी सब्जी।